बढ़ते खबरों में आगे, जैसे जैसे लोकसभा चुनाव की तारीख नजदीक आती जा रही है वैसे वैसे आरोप प्रत्यारोप का दौर भी तेज होता नजर आ रहा है। लोकसभा मोहनलालगंज सीट से गठबंधन प्रत्याशी आरके चौधरी ने भाजपा पर जमकर हमला बोला। बीजेपी पर झूठे वादे करने का आरोप लगाते हुए कहा कि पूरे देश में बीजेपी के कार्यकर्ता मोदी के नाम पर वोट मांगते हैं, जनता बदलाव चाहती है। हमारे साथ सपा के प्रत्याशी आरके चौधरी जी हैं जो लोकसभा मोहनलालगंज से लड़ रहे हैं। आइए इनसे बात करते हैं कि क्या मुद्दे रहेंगे जो जनता के बीच जा रहे हैं। आपको TV24 पे स्वागत है। देखिए, जो लक्ष्य है बीजेपी को हराना है, इंडिया अलायंस सरकार बनाना है। पहली बात तो यह है कि 10 साल से बीजेपी के नेताओं और खासतौर से मोदी को सुनते सुनते आम पब्लिक तंग आ गई और पूरे देश में भ्रामक प्रचार हुआ कि प्रत्येक के खाते में 15-15 लाख आ जाएगा। तो निश्चित तौर पे ऐसा लगा कि मोदी बहुत बड़े नेता हैं, बहुत बड़े थिंकर हैं, इसको गरीबी दूर कर देंगे। जैसे कि वो कह रहे हैं बार बार 400 पार जनता के बीच जा रहे हैं, तो 400 पार कह रहे हैं, क्या कह लगता है कि हमारे नेता ने कह दिया माननीय अखिलेश यादव ने, क्या पार क्या ना पार। और पूरे देश की बात तो नहीं जानता, लेकिन जहाँ मैं लड़ रहा हूँ या उत्तर प्रदेश की सीन मुझे मालूम है, तो पब्लिक अब विश्वास नहीं कर रही है बीजेपी पे और इसलिए इंडिया अलायंस को जताना चाहते हैं। वो 400 पार कहें, 500 पार कहें, 1000 पार कहें, जो फर्क पड़ने वाला नहीं। जैसे कि ये गठबंधन जो हुआ है, जनता इससे कह रहे कि जुट हो रही सब पार्टी केवल बीजेपी को हराने के लिए, तो इस पर कैसे क्या? तो सही बात है, बीजेपी का हारना तय है, जनता भी तैयार है, विपक्षी पार्टियां भी तैयार हैं, इसलिए इंडिया अलायंस बना है। हम इंडिया अलायंस साथ हैं, टिकट मिला हमको सपा से, तो निश्चित तौर पर हम लोग बीजेपी को हराएंगे। हमारे साथ आरके चौधरी जी थे जो मोहनलालगंज से प्रत्याशी हैं। इनका कहना है कि हम बीजेपी को कहीं ना कहीं हराएंगे और जनता के बीच जो खास मुद्दे हैं उनको लेकर के जनता के बीच जाएंगे, जिस तरह से वो 400 पार कह रही है। अब की बार वो इलेक्शन में देखा जाएगा, क्योंकि जनता का जो रुझान है वो कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस के साथ है। TV24 के लिए आनंद सिंह चौहान, लखनऊ।